आरपीएससी सदस्य कटारा के निवास पर ईडी के छापे। पेपर लीक प्रकरण, दिल्ली से आई टीम ने आधा दर्जन स्थानों पर की कार्रवाई। ढाका के जयपुर सांचौर ठेकेदार के बाड़मेर निवास पर की गई कार्रवाई। ईडी ने आरपीएससी पेपर लीक घोटाले में सोमवार को राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर छापेमारी करके दस्तावेज जब्त किए। ईडी की दिल्ली मुख्यालय से आई टीम ने केंद्रीय सुरक्षा बल की मदद से आरपीएससी सदस्य एम घोटाले के आरोपी बाबूलाल कटारा के अजमेर और डूंगरपुर आवास, आरोपी ठेकेदार भजनलाल बिश्नोई के बाड़मेर स्थित आवास और मास्टरमाइंड सुरेश ढाका के जयपुर के वैशाली नगर फ्लैट और सांचौर के अचलपुरा पैतृक गांव में छापा मारकर दस्तावेज जब्त किए हैं। ढाका के सांचौर में जब छापे पड़े तो उनके पिता मांगीलाल डरकर अलमारी में छिप गए। करीब आधे घंटे तक अलमारी में बंद रहने से उनका दम घुट गया और वे बेहोश हो गए। ईडी की टीम अजमेर स्थित कटारा के सरकारी आवास पर करीब 7 घंटे तक छानबीन करती रही। छानबीन पूरी होने के बाद ईडी की टीम ने सरकारी आवास को सीज कर उस पर नोटिस चस्पा कर दिया। भूपेंद्र सारणी पुर गांव में भजनलाल और खेतरवाल रेडिया घोरा में सुरेश बिश्नोई के घर डिंगावा में NSUI के अध्यक्ष विकास उदाराम जांगू और राजूराम इराम के घर पर अलग अलग दो टीमों ने रेड की। 24 दिसंबर को होनी थी परीक्षा जिसका पेपर लीक हुआ। ग्रुप सी भर्ती का पेपर लीक हुआ था, 24 दिसंबर को होनी थी परीक्षा। कटारा को अभी तक हटाया क्यों नहीं जा सका? राष्ट्रपति से मंजूरी नहीं मिलने के कारण अभी तक कटारा को हटाया नहीं जा सका है। जयपुर में रिटायर्ड प्रोफेसर के घर भी पहुंची ईडी की टीम। ईडी की टीम ने एक सेनानिवृत्त प्रोफेसर के दुर्गापुर स्थित आवास पर भी कार्रवाई की। सूत्रों के अनुसार कार्रवाई के दौरान दस्तावेज जब्त किए गए जिन्हें बड़े बॉक्सों में डालकर ले जाया गया। ईडी की टीम दोपहर में अजमेर स्थित कटारा के सरकारी निवास पहुंची। टीम यहां दस्तावेजों के साथ छानबीन करती रही। आयोग के इतिहास में पहली बार किसी सदस्य के सरकारी आवास पर ईडी ने दबिश दी है। कटारा का सरकारी आवास सीज, नोटिस चस्पा किया गया। ईडी ने सील किया कटारा का आवास।